Clearly करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मैथोलॉजी तो का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोध लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश तो हमारे हमने जो रिसर्च मैथोलॉजी का कंटेंट बनाया है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसोर्च मेथोलॉजी का कंटेंट बनाया है और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मैथोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है और हम आप आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो तो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है याद रखिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है

ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल मेथोडोलॉजी के कवर करे हैं तो, आप आप तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉकटेस को एक वीक में कवर कर लेना है और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है थाउजेंड प्लस एमसीक्यूस पीडीएफ ये आपके एज अ विज़न के तौर पर यूज कर सकते हो आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और अगर आप आपके एग्जाम के इवन फोर टू फाइव आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर, कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को मार्क कर, कर आ जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे गए थे सो so, हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है याद रखे आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है और आप अगर मैसेज करते हो मैसेज करने के विदिन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप सो इस ऐप आप पर आपको एक मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजीलिय अवेलेबल हो जाएगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है सो so, वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो एंड लेट्स बिगिन विद पहला प्रश्न गुणात्मक शोध की कौन सी विधि नहीं है विच इज नॉट द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है कि गुणात्मक शोध की विधि हमें किस विकल्प में नहीं दी गई है यानी क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड हमें किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है हमें यह पता लगाना है So, इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च रिसर्च यानी गुणात्मक शोध होती क्या है so, सो नेम से ही आपको मीनिंग पता चल जाएगा जो किसी चीज की क्वालिटी किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी चीज के फीचर्स को डिस्क्राइब करे उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च अब याद रखिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको जो भी डेटा मिलता है आप जो भी डेटा एकत्र करते हो वो आपको वर्ड और

मैं पूछूंगी लोगों से कि आपको उस फिल्म के जो एक्ट्रेस थे उनकी एक्टिंग कैसे लगी जो एक्टर थे कौन से एक्टर की एक्टिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी किस तरीके से उनको और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी सो so, यहाँ पर मुझे जो लोगों का रिस्पांस मिलेगा ये यस नो टाइप में या फिर नंबर्स के फॉर्म में वो मुझे तो रिस्पांस नहीं करेंगे सो so, यहाँ पर उनका जो रिस्पांस होगा कुछ इस तरीके से होगा कि उस एक्ट्रेस की एक्टिंग हमें ज्यादा अच्छी लगी थी उस सीन में उसको इस तरीके से एक्टिंग करनी चाहिए थी तो so, पर मुझे जो भी रिप्लाई मिलेगा लोगों से जो भी उनका ओपिनियन ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे डेटा मिलेगा ना कि नंबर्स के फॉर्म में मुझे डेटा नहीं मिलता है याद रखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में ही डेटा मिलता है तो ये हो गए आपके क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि क्वालिटेटिव रिसर्च और गुणात्मक शोध होती क्या है अब हम मेथड्स देख लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध के कुछ विधि होते हैं कुछ मेथड्स होते हैं सो so, हम एक-एक करके कर सारे मेथड्स देख लेते हैं सो ऑप्शन ए इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि सो इंटरव्यू मेथड क्या होते हैं अब जैसे मान लीजिए आप किसी एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट uh, है आपने उनका इंटरव्यू ले लिया सो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनसे आप किस तरीके से इंटरव्यू लोगे आप उनसे हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे हार्ट डिसीजती है, है so आपके इंटरव्यू के लिए सो so वो जो भी आपको रिप्लाई करेगा जो भी उसका आंसर होगा ये आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा अगर आप पूछ रहे हो कि हार्ट डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं सो so यहाँ पर आपको वो यस और नो नहीं कहेगा वो आपको डिस्क्राइब करेगा कि

केस स्टडी मेथड में फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप होता है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन होता है और उसके थ्रू हमें कुछ डेटा मिलता है उसे हम कहते हैं केस स्टडी मेथड अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आईफोन लॉन्च करना है न्यू आईफोन लॉन्च करना है तो मैं क्या करूंगी फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप बना लूंगी और उसमें आईफोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अब आईफोन के बारे में किस तरीके से डिस्कशन होगा कि हो सकता है उसकी स्क्रीन और हम स्क्रीन क्वालिटी अच्छी कर ले और ऐप फीचर और दे लोगों को पिक्सल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो ये सारी जो चीजें हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अगेन हमें वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में ही हमें जो डेटा मिलेगा वर्ड्स वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा सो केस स्टडी में हम जो भी बोल रहे हैं आपको जो भी डेटा मिलेगा जो भी लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा तो ये भी आपका क्वालिटेटिव मेथड मेथड हो गया उसी तरीके से ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन विधि तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है जिसमें आपको पर्टिकुलर जैसे ये मेन तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन मेथड ये मेन रिसर्चर करते हैं और रिसर्चर रोल प्ले करते हैं मेन ऑब्जर्वेशन मेथड में अब किस तरीके से ऑब्जर्वेशन मेथड होता है अब मान लीजिए रिसर्चर को कोई animal पर स्टडी करना है उनके behaviors पर study करना है, तो ऑब्जर्व करेंगे तो so यहाँ पर रिसर्चर ने कुछ ऑब्जर्व किया और रिसर्चर उस ऑब्जर्वेशन को अपने एक्सप्लेन करेंगे अब मान लीजिए रिसर्चर ने कुछ एनिमल को ऑब्जर्व किया वो बताएंगे कि मैंने ये ये ऑब्जर्व किया उन, वो उनसे एनिमल्स जो है एक दूसरे से ऐसा बिहेवियर था उनका तो यहाँ पर जो रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन मिल रही रिसर्चर ने जो डेटा कलेक्ट करा उनको अगेन वर्ड्स ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में मिला सो ये भी आपको हो गया क्वालिटी रिसर्च का मेथड इसलिए यहाँ पर हमें ऑप्शन ए बी एंड सी मतलब विकल्प ए बी सी ए तीनों भी गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध के मेथड हमें किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है यानी विधि किस ऑप्शन में नहीं दी गई है तो so, ये तीनों भी ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड दिया गया था इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी एंड सी ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स्टैटिस्टिकल मेथड यानी संख्या की विधि सो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है जिसमें आप मैथमेटिकल यूज करते हो ओके okay? आप आप क्या करोगे मैथमेटिकल यूज करोगे या फिर आप मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करोगे किस तरीके से आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुल टेक्निक्स यूज करोगे मान लीजिए आपने आप कुछ सैंपल्स पर रिसर्च परफॉर्म करी सैंपल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा ओके रॉ डेटा मिलता है आपको अब इस रॉ डेटा को आप एनालाइज करते हो इसको ऑब्जर्व करते हो तो आप किस तरीके से एनालाइज करते हो नथिंग बट योर स्टैटिस्टिकल मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज कर कर आप रॉ डेटा को आपके एनालाइज करते हो क्योंकि आप यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मुलाज टेक्निक्स यूज करते हो मैथमेटिकल टेक्निक्स आपका आप यूज करते हो स्टैटिस्टिकल मेथड में आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी करी कि पर्टिकुलर पर्टी, कर कोई सिटी है सिटी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम क्या है तो ये देखने के लिए आपको स्टैटिस्टिकल ही मेथड यूज करना होगा क्योंकि आपको ये देखना होगा कि एवरेज लोगों की इनकम कितनी है तो यहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड का तो का यूज करोगे सो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है बेसिकली यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी स्टैटिस्टिकल मेथड संख्या के विधि अगला प्रश्न भारत सरकार द्वारा दो में जनगणना प्रयुक्त शोध पद्धति थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा 2001 में जो जनगणना हुआ था तो उसमें कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा गया था सो so, यहाँ पर जनगणना का मतलब होता है सेंसेस जो सेंसेस हुआ था भारत में 2001 में सो so, उसमें हमने कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया था हमें ये पता लगाना है यानी भारत सरकार ने कौन सा रिसर्च मेथड यूज करा था हमें यह पता लगाना है सो so, हम अगेन एक एक कर कर सारे ऑप्शंस देख लेंगे डिटेल में लेकिन अगेन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेंसिस क्या होता है तभी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे यानी जनगणना क्या होता है तो so, याद रखिए जनगणना भारत में हर दस साल पर होता है ओके भारत में हर दस साल पर जनगणना होता है अब जनगणना क्या होता है सेंसेस ओके जनगणना का मतलब होता है सेंसेस जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे जितने भी होंगे पॉपुलेशन में से हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन लेते हो लेकिन हम जो बेसिकली रिसर्च परफॉर्म करते हैं उसमें हम सैंपल्स पर स्टडी करते हैं रिसर्च में सैंपल्स क्या होते हैं पॉपुलेशन के कुछ लोगों को ले लेते हैं आप यानी का कुछ पार्ट मान लीजिए में हंड्रेड लोग हैं तो आपने यहाँ पर थर्टी लोगों पर रिसर्च कर ली तो ये हो जाता है आपका सैंपल लेकिन सेंसेस यानी जनगणना क्या होता है आप पूरी 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 की पूरी पॉपुलेशन पर आप स्टडी परफॉर्म करते हो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आप डेटा कलेक्ट करते हो पूरी की पूरी पॉपुलेशन से।, से हम कहते हैं एंड जनगणना और याद रखिए भारत में हर दस साल पर जनगणना होता है सेंसेस कंडक्ट करवाया जाता है ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अब मैं आपको बता दू सेंसेस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे सर्वे मेथड इस प्रश्न का आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा सर्वे क्या होता है सर्वे करवा रहे हो आप एक एक लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सो so, उसे हम कहते हैं सर्वे सर्वे क्या होता है बेसिकली जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो उसे so, हम कहते हैं सर्वे यानी सर्वेशन विधि सो जनगणना किस रिसर्च मेथड से हम कर सकते हैं सर्वेशन विधि से किस विधि से कर सकते हैं सर्वे मेथड से क्योंकि क्या होता है सेंसेज में आपको हर एक मेम्बर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है ओके okay, हर एक मेंबर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे सही हो रहेगा ऑप्शन हिस्टोरिकल मेथड हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है जिसमें आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो यानी पिछली जो घटनाएं होती है उसके बारे में स्टडी करते हो सो so, यहाँ पर हमें पिछली जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में हमें प्रश्न नहीं पूछा गया है सो so, इसका ऑप्शन है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है जिसमें आप दो चरों के बीच में यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हो यानी कारण एंड प्रभाव बताते हो उनके बीच में कैसा संबंध है आप ये बताते हो जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल

इन डिटेल में स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप बनाकर सो अगेन यहाँ पर हमें किसी ग्रुप में डिस्कशन नहीं पूछा गया है सो इस ऑप्शन भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वे मेथड सो याद रखिएगा सेंसेस जो होता है जिसमें हम रिसर्च मेथड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सर्वे मेथड अगला प्रश्न कौन सी एक अच्छी प्रश्नवली की विशेषता है So, पूछा जा रहा है प्रश्न वाली की एक अच्छी विशेषता हमें किस प्रश्न में दी गई है questionnaire की good quality और good characteristics हमें किस ऑप्शन में दी गई है हमें ये पता लगाना है सो so, प्रश्न वाली यानी क्वेश्चन एर ये होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए सो याद रखिये क्वेश्चन एयर एक डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसके थ्रू जो रिसर्चर है यानी जो आपके शोध करता है क्वेश्चन एयर यानी प्रश्नवली के थ्रू अपना जो डेटा है उसको एकत्र करते हैं अब क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर होता क्या है आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन एयर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम कहते क्वेश्चन एयर एक लिस्ट होंगे उसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे सो उस पूरे लिस्ट को हम कहेंगे क्वेश्चन एयर अब याद रखिए क्वेश्चन एयर क्या होता है इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं यानी पहले से ही क्वेश्चन दिए गए होते हैं बस आपको उन क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना होता है सो so, यहाँ पर क्वेश्चन एयर में जो भी आप रिस्पॉन्स करोगे ये यस नो टाइप में आप रिस्पॉन्स करोगे या फिर आपको टिक मार्क करना होता है कि आप जैसे आपको कोई फीडबैक फॉर्म होता है आपको टिक uh, मार्क करना होता है आप अग्री हो डिसग्री हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये क्या है आपके एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है सो so, इस क्वेश्चन में आपको क्या होता है सारे विकल्प सही नहीं होते कोई एक ही विकल्प सही होता है सो so, ये हो गया आपके क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन ओके ये होता है आपके क्वेश्चन का एग्जाम्पल अब अब जैसे मान लीजिए आप किसी आ, रेस्टोरेंट में गए आपने कोई मील लिया है तो आपको वो पूछेंगे कि हमारी मील की क्वालिटी आपको कैसा लगी हमारा फूड कैसा लगा क्या हमारा फूड टेस्टी था या फिर उस, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी आ, सो यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स करोगे आप ये यस नो टाइप में करोगे ओके गुड वेरी गुड एक्सीलेंट इस टाइप में आप करते हो जो आपको फीडबैक फॉर्म मिलता है ओके okay? सो so, जैसे यस नो टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि आपके पास जॉब है तो आप क्या करोगे यस और नो में ही रिस्पॉन्स कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन का सो so, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन एयर सो याद रखिये क्वेश्चन एयर में आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं so, सो हम कहते हैं क्वेश्चन एयर और क्वेश्चन एयर आपके स्ट्रक्चर क्वेश्चन होती है यानी स्ट्रक्चर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है जो पहले से ही रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वेश्चन एयर की, की प्रश्न वाली आपकी विशेषता बतानी है कि किस ऑप्शन में हमें बेस्ट क्वालिटी दी गई है सो ऑप्शन ए आपको दिया गया है क्लियर एंड इजी क्वेश्चन यानी स्पष्ट और आसान प्रश्न सो so, इस क्वेश्चन एयर में कैसे होने चाहिए आपके क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए अगर आप एकदम हार्ड क्वेश्चन डिजाइन करोगे आपके क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे सो so, आपके जो रिस्पोंडेंट है वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन एयर बनाते हो तो यहाँ पर आपको स्पष्ट यानी क्लियर और आसान प्रश्न रखना होता है तभी आपके जो रिस्पोंडेंट है जिससे आप कलेक्ट करने वाले हो वो आपको इजिली उसका रिप्लाई कर सकते हैं सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये आपकी करेक्ट क्वालिटी है गुड क्वालिटी है क्वेश्चन एयर की उसी तरीके से ऑप्शन बी सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग ऑफ क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के व्यवस्थित क्रम सो so यस yes, आपको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए आप किधर भी कहीं भी क्वेश्चन नहीं एडजस्ट कर सकते हो जैसे मान लीजिए फॉर एक्साम्पल मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया उसके बाद मैं डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन डालूंगी नंबर नहीं करूंगी तो यहाँ पर जो मेरे रेस्पॉन्डेंट है जो रिप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन का सो so वो सही से नहीं रिप्लाई कर पाएंगे सो so यहाँ पर मुझे जो डेटा मिलेगा इनका एक डिब्बी डेटा मिल सकता है यानी गलत डेटा भी मुझे मिल सकता है सो याद रखिए सिस्टम सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक Organized way में questions होने चाहिए। एक order follow करना चाहिए आपको, आपके क्वेश्चन का यानी एक क्रम में आपके, आपके प्रश्नों को बताना चाहिए तो ये भी एक good quality होती क्वेश्चन एयर की इसी तरीके से इस ऑप्शन सी लिमिटेड साइज यानी सीमित आकार तो यस आपका एक सीमित आकार होना चाहिए क्वेश्चन एयर का यानी का आपका जो आकार होता है वो एक सीमित होना चाहिए लिमिटेड होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने हजार क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए So, जब आप हजार क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे तो आपके जो रिस्पॉन्डर उनके उनके पास भी तो टाइम होना चाहिए आपके इतने सारे क्वेश्चन के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होगा आप जैसे जनरली देखते हो फीडबैक क्वेश्चन में फाइव तो, हो, और टेन ही क्वेश्चन होते हैं जनरली ट्वेंटी होंगे उससे ज्यादा आपको नहीं देखने मिलते तो लिमिटेड साइज होना है क्वेश्चन एयर में तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिल कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रख सकते हो लेकिन अगर लिमिटेड साइज हो तो ये गुड क्वालिटी है जिससे आपके जो रेस्पोंडेंट है वो आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करेंगे सो लिमिटेड साइज यानी सीमित आकार की प्रश्नवली की एक विशेषता होती है जैसे कि आप देख रहे हो आपको ऑप्शन ए बी सी यानी विकल्प ए बी सी ये तीनों में भी आपको आपकी प्रश्नवली की विशेषता दी गई है यानी क्वेश्चन के गुड कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी ऑल दी अब उपयुक्त सभी अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है ऑफ ऑफ इज नॉट सोर्स प्राइमरी डेटा सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है सो so, इस क्वेश्चन को इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा क्या होता है सो so, प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो ओके okay? ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो जो ओरिजिनल डेटा हो याद रखिएगा ओरिजिनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करोगे ऐसा डेटा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें आपको आ, कुछ पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट टाइम जो आपको डेटा मिल रहा है जो एक न्यू डेटा मिल रहा है न्यू डेटा ओरिजिनल और जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा अब प्राइमरी डेटा रिसर्च में वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट विधि के थ्रू ओके सो प्राइमरी डेटा क्या होता है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा जाता है जो ओरिजिनल हो जो न्यू हो और जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करते हैं और जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा प्राइमरी डेटा याद रखिएगा प्राइमरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है वो नहीं होता है और ना ही कोई पुराने डेटा को हम कहेंगे प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल और जो न्यू डेटा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा सो याद रखिएगा एग्जाम में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका सेकेंडरी डेटा क्या होता है आपका जो जैसे नेम में ही मीनिंग है जो सेकेंडरी हो जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा हो जैसे आपको न्यूज़पेपर और पेपर्स आर्टिकल जर्नल्स ये सारे चीजों में आपको जो डेटा मिलता है ये आपका सेकेंडरी डेटा होगा इवन uh, आपका जो इंटरनेट पर डेटा होता है ये भी आपका सेकेंडरी डेटा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है तो सेकेंडरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते जो पहले से ही डेटा पब्लिश हुआ होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा सो so, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा आपको इस टॉपिक पर एग्जाम में वन और टू क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे ही जाते हैं सो so, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है अब प्राइमरी डेटा जैसा हम देख ले जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करा जाता है जो ओरिजिनल डेटा हो और जो न्यू डेटा हो अब याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन एंड स्केड्यूल ये तीनों से ही आप नया डेटा जनरेट कर सकते हो अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है ऑब्जर्वेशन यानी जो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करते हैं चीजों को यानी टिप्पणियां मतलब आ, मान लीजिए रिसर्चर को किसी एनिमल्स पर स्टडी करना है ओके किसी कल्चर के बारे में स्टडी करना है इंडियन कल्चर हो गया कोई वेस्टर्न कल्चर हो गया अब मान लीजिए रिसर्चर इंडियन कल्चर पर स्टडी कर रहे हैं सो रिसर्चर क्या करेंगे इंडिया में जाके वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ के लोगों का मील क्या है वो किस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं उनका अः लाइफ स्टाइल कैसा होता है सो so, इन सारे चीजों को रिसर्चर खुद ऑब्जर्व करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन से डेटा मिलने उनको ये होगा उनका प्राइमरी डेटा क्योंकि यहाँ पर वो एक न्यू डेटा जनरेट करेंगे सो so, ये होता है आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स उसी तरीके से क्वेश्चन एयर यानी प्रश्न वाली क्वेश्चन एयर में फीडबैक क्वेश्चन जैसे होंगे ये एक एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन एयर का क्वेश्चन एयर एक लिस्ट होती है उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं जिससे हम कहते हैं क्वेश्चन एयर सो क्वेश्चन एयर में आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं जो से जो पहले से ही वेल पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और सर्चो यहाँ पर रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स लेते हैं जैसे आपने कोई फीडबैक फॉर्म देखा होगा तो ये सारे जो होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन एयर में आते हैं फीडबैक फॉर्म्स जिसमें आपको यस नो टाइप में एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं सो तो इनसे भी आप प्राइमरी डेटा जनरेट करते हो उसी तरीके से स्केड्यूल स्केड्यूल क्या होता है याद रखिये स्केड्यूल आपके इंटरव्यू की तरह ही होता है स्केड्यूल भी एक इंटरव्यू ही होता है लेकिन स्केड्यूल ऐसा एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं जो रिसर्चर क्वेश्चंस पूछते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट से ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं याद रखिएगा स्केड्यूल में जो रिसर्चर क्वेश्चन पूछते हैं ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं पहले से ही रिसर्चर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन डिसाइड कर लेते हैं और वो आ, पूछ लेते हैं आपके से सो स्केड्यूल यानी अनुसूची से भी जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ये आपका प्राथमिक डेटा का स्रोत होगा यानी प्राइमरी डेटा का सोर्स होगा सो so, यहाँ पर हमें विच इज नॉट पूछ है जो प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है तो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सी एंड डी मतलब विकल्प बी सी डी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई e, विकल्प लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन इतिहास तो याद रखिएगा लाइफ हिस्ट्री और जीवन इतिहास का स्रोत नहीं होता है यानी प्राइमरी सोर्स का सोर्स नहीं सॉरी प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं होता है लाइफ हिस्ट्री क्या होती है किसी की बायोग्राफी उसकी जो लाइफ हिस्टोरी है यानी उसने अपने लाइफ में जो जो चीजें परफॉर्म किया उसको एक्सप्लेन करना उसको एनालाइज कर कर एक्सप्लेन करना जैसे आप अः किसी की फिल्म देखते हो किसी की बायोग्राफी देखते हो सो यहाँ पर उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है So, पर आप कोई न्यू डेटा जनरेट नहीं करते हो ये पहले से ही अवेलेबल डेटा होता है आप उसको so, प्राइमरी डेटे का सोर्स नहीं होता है ये आपका अगला प्रश्न एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं को शामिल किया गया है इन थी फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन सो इस प्रश्न पूछा जा रहा है कि थीसिस है थीसिस में टेबल्स एंड फिगर्स यानी आपके आंकड़े और तालिकाओं को कहा रखा जाता है कहा इंक्लूडेड होता है कहाँ शामिल किया जाता है हमें ये पता करना है तो याद रखिए थीसिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए थीसिस क्या होता है जिसमें आप आपके जो रिसर्च का वर्क है जो भी आपने आपके शोध में सारे जो कार्य करे हैं उसको आप बताते हो उसे हम कहते हैं थीसिस अब थीसिस में आपके फिगर्स एंड टेबल्स कहा इंक्लूडेड होते हैं हमें ये पता करना है तो याद रखिए यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स नहीं पूछ रहा है अगर हमें लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स पूछता तो ये आपके मेन चैप्टर्स में होते यानी एक इसका यहाँ पर एक सेपरेट चैप्टर होता है लेकिन हमें सिर्फ फिगर्स एंड टेबल पूछा गया है

स्वे में ही शामिल किया जाता है फिगर uh, मतलब होता है ओके okay? जब भी आप थीसिस देखोगे तो आपको देखेगा कि आपने जहां पर भी टेक्स्ट लिखा होता है टेक्स्ट के नीचे ही फिगर बनाया जाता है उसको टेक्स्ट के नीचे ही टेबल बनाया जाता है ताकि जो आपका थीसिस देखे जो आपके रीडर्स है उनको कुछ कंफ्यूजन ना हो अगर आपके फिगर्स और टेबल्स नेक्स्ट अलग पेज पे कोई सेपरेट चैप्टर्स में होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ जाएगा सिर्फ फिगर्स और टेबल्स देखें आप कंटेंट पढ़ोगे और उसके नीचे उसका फिगर आप देख सकते हो एज अ रेफरेंस उसका टेबल आप देख सकते हो तो सो याद थीसिस में जहां पर आपका टेक्स्ट लिखा होता है टेक्स्ट से ही रिलेटेड नीचे उसका टेबल बनाया जाता है और टेक्स्ट के नीचे ही टेबल होते हैं या फिर फिगर्स होते हैं आपने जब भी देखा होगा फिगर्स अलग से नहीं दिया जाता है आपको टेक्स्ट के नीचे ही दिया जाता है सो तो याद रखिएगा थीसिस में फिगर्स एंड टेबल्स यानी आंकड़े एंड तालिकाओं जो आपका शामिल होता है ये आपके पाठ में ही होता है जहां पर आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसी के साथ होता है सो तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अब सेपरेट चैप्टर में नहीं होता है आपके लिस्ट लिस्ट सॉरी फिगर्स फिगर्स एंड एंड टेबल अगर ऑफ टेबल्स पूछा जाता है, तब आपका सेपरेट चैप्टर यानी एक अलग अध्याय ये ऑप्शन होता है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा उसी so, तरीके से अपेंडिक्स अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट सो so, अपेंडिक्स क्या होती है अपेंडिक्स जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर होता है एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हो बेसिकली आप यहाँ पर

तो so, यहाँ पर आपके फिगर्स और टेबल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं सो so, याद रखिएगा आपके फिगर्स और टेबल्स कहाँ इंक्लूड होते हैं टेक्स्ट इस इट में यानी जहां पर टेक्स्ट होगा उसी के साथ आपके फिगर्स और टेबल्स होंगे सो so, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी एंड